योगी सरकार का दावा रहा है कि किसानों के लिए उसने सबसे ज्यादा काम किया, उनके नाम सबसे ज्यादा सौगातें दी गईं, लेकिन भारतीय किसान यूनियन ने बजट से पहले ही ऐसे किसानों के लिए निराशाजनक बता दिया। आरोप है कि यूपी में किसानों के हितों को ताक पर रखा गया है। इन दिल्ली वालों ने दिया ऐसे ही ये देंगे भाई, इनको लेकर आना चाहिए कि पानी पे हमारी क्या योजना है। पानी, हम हर खेत को पानी देंगे, उस पर काम करना चाहिए, फसलों के दाम पे करना चाहिए, किस चीज पे लेकर आएंगे कल ही पता चलेगा। आगरा पहुंचे राकेश टिकैत से जब MSP और बुधवार को पेश होने वाले योगी सरकार के बजट को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कहा कि भाजपा सरकार किसानों को उनका हक नहीं दे रही। किसानों का नाम लेते रहेंगे, जब मूवमेंट चल रहा है तो उससे ये तो है कि सारी सरकार किसानों का नाम ले रही है, लेकिन किसानों पे काम उस हिसाब से नहीं हो रहे। देखो, जब तक MSP गारंटी कानून देश में नहीं बनेगा उसमें तो बजट की भी जरूरत नहीं, आप वो तो कानून बनाना, लेकिन ये कुछ नहीं करेंगे, ये वैसे ही लोगों को बहकाते रहेंगे। हॉर्टिकल्चर में इसमें क्या इनको करना है, कुछ नहीं देंगे, सिर्फ कागजू में ये काम करते हैं। मतलब किसानों के मुद्दे पर देश की सियासत का पारा चढ़ाने की तैयारी है, क्योंकि राकेश टिकैत यही नहीं रुके, उन्होंने भाजपा सरकार पर चुभने वाला वार किया, कहा देश नागपुर की पॉलिसी से चल रहा है। भाई, सरकार अपने काम पर लग रही के इनको हिंदू मुस्लिम कैसे बना जा, इनको छोटा बड़ा कैसे बना जा, एक जाति को दूसरी जाति से कैसे लड़ा जा। नागपुर पॉलिसी देश में चल रही है, थोड़ा बता दीजिए सर जनता को क्या है नागपुर पॉलिसी। नागपुर पॉलिसी है कि पूरा डिसीजन वहां से ही होकर आता है, उसी पे ये काम चल रहे। जब जब पॉलिटिक्स धर्म पर हावी होगी तो यही हाल होंगे। राकेश टिकैत के इस बयान ने किसान केंद्रित राजनीति की रफ्तार बढ़ा दी है, क्योंकि राकेश टिकैत ने भाजपा सरकार को निशाना बनाया है, लिहाजा भाजपा ने भी पलटवार में देर नहीं की। राकेश टिकैत के बयान पर केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा ने कहा, केंद्रीय बजट में किसानों के लिए कई ऐलान किए गए हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये दिखाई नहीं देता। जिन लोगों ने देखने की अगर निगाहें उनकी ठीक नहीं है, उनको चश्मा लगाना चाहिए। बजट में जिस तरह से आदरणीय वित्त मंत्री जी ने मैं कह सकता हूँ किसी भी वर्ग को छोड़ा नहीं है, जिनके लिए दिया नहीं, तो मैं कह सकता हूँ कि किसी के कहने से नहीं, लेकिन आज चाहे हमारा लघु किसान हो, सीमांत किसान हो, पूरी तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है, और जिस तरह से बजट हमारा केंद्र में आया है उसी तर्ज पर हम उत्तर प्रदेश में भी एक शानदार बजट पेश करने वाले। मतलब साफ है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले किसानों का मुद्दा बड़ा होने वाला है, इसकी झलक बुधवार को पेश होने वाले योगी सरकार के बजट में भी दिख सकती है।